और राष्ट्रपिता की भावना, बापू की भावना को भी कोई नहीं मानता है तो हम तो मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है। वो भारतीय तो है ही नहीं और वो काबिल तो है ही नहीं, वो महाअयोग्य है, महापापी है। जो राष्ट्रपिता बापू की बात को भी नहीं सुनता है, अब समझता है तो उसका क्या मतलब। इसलिए इस बात को देखना चाहिए, जरा सा इस सब प्रचार करना चाहिए। बापू की बात, दुनिया भर में दारू का कितना बुरा असर है, इन सब चीजों को लोगों को बता करके धीरे धीरे बताना चाहिए कि हो जाए। और धीरे धीरे तो अन्य राज्यों को भी देखना चाहिए। अब हो रहा है कि कुछ आमदनी हो जाता है दारू बनाने में और उसी के चलते नहीं कर रहा है। अरे भाई कोई आमदनी है, हम लोगों को तो जैसे देखिए यहां कुछ नहीं होता था, हम लोग उसमें टाइटिंग किए थे, सब कुछ किए थे, तब 5,000 करोड़ पर पहुंच गए थे, लेकिन हमने छोड़ दिया, हमने तत्काल उसको खत्म किया। तो सवाल इसका है कि अगर कोई भी राज्य बंद करेगा तो वो चीज बंद हो जाएगा, लेकिन फायदा कितना होगा। इस शराबबंदी के चलते आप देख रहे हैं अब कितना सब्जी की बिक्री है। आप जरा कल्पना कर लीजिए, तरकारी पहले बिकता था, इतना सब्जी का उत्पादन होता था। एक से एक चीज देखिए ना, कि जो पैसा जो दुरुपयोग करता था, शराब पीने में पैसा बर्बाद करता था, अगर वो पैसा बर्बाद नहीं करेगा और यही सब काम में लगाएगा तो देख लीजिए उसके घर में कितना अच्छा अब भोजन हो रहा। जरा महिलाओं से पूछिए, हम तो खुद ही जब 16 में लागू किए